بسم الله الرحمن الرحيم. मैसेज में
अपने जज्बात को जाहिर करना होता है, दिली जज्बात को नामहरम लड़की से जाहिर करना ये भी गुनाह कबीरा। यहाँ पर इतना रोका गया, गैर की लड़की को खून की बात शरीयत ने अपने मुसलमान लड़की से नाजायज ताल्लुकात कायम करने को हराम करार दिया गया। देखना हराम, करीब जाना हराम, एक कमरे में नामहरम के साथ बैठना हराम, बात करना हराम, मैसेज करना हराम, उसकी बातें सुनना हराम, उसके उसका चेहरा देखना हराम, उसके आज़ा को देखना हराम। इस्लाम ने तो ये तालीम दी, लिहाजा ये भी हमारे खिलाफ है, हमारी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं। तीसरी बात, जो गाय के गोश्त पर पाबंदी की लगाई जा रही है, जो बिल पास कर दी गई है, अगर अकल की आंखों से देखा जाए, अकली नजर से देखा जाए, तो ये मुसलमान इस्लाम गांव गाय के ताल्लुक से उसकी मसम्मत नहीं करता, उसे गलत निगाह से नहीं देखता। शरीयत में गाय का भी एक मकाम व मर्तबा है, अगर तुम उसे माँ मानते हो, हम ये कहते हैं गाय को माँ का दर्जा देना उसकी इज्जत बढ़ाना नहीं है, गाय को माँ का दर्जा देना उसकी इज्जत घटाना है। आप नहीं दे सकते जमीन को माँ का दर्जा, आप नहीं दे सकते गाय को माँ का दर्जा, आप नहीं दे सकते। एक अकलमंद से पूछिए कि जमीन को कैसे आप माँ का दर्जा देंगे, जमीन को धरती, इस धरती को माँ आप कैसे कह सकते हैं? हम कहेंगे नहीं कहेंगे, ये हमारी माँ नहीं बन सकती। हाँ, हम इससे मोहब्बत जरूर करते हैं, हम हमारी मोहब्बत कामिल है, हम हमारी मोहब्बत में सच्चे हैं, हम दलील जरूर देंगे हमारी मोहब्बत जमीन से कैसी है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ जुबानी दावा है कि जमीन माँ है, हम इसे माँ का दर्जा देते हैं। हम उनसे कहते हैं अगर जमीन माँ है तो माँ पर कदम रखकर चलना गुनाह हो जाएगा। कैसे चलेंगे आप जमीन पर? माँ माँ पर कोई कदम थोड़ी रखता है। हमसे पूछिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हमारे नबी ने कहा, हमारा अकीदा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ना कि माँ के बाप के बच्चों के कदम के नीचे। माँ जिसे माँ का दर्जा नहीं देते, जरूर मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत जमीन से जरूर है। कैसे मोहब्बत? मुसलमान दिन में 5 मरतबा इस जमीन पर सर रखकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, जमीन पर 5 नमाजें पढ़कर बार बार सजदा करता है, ये हमारी मोहब्बत की दलील है। इंतकाल के बाद भी हमारी मोहब्बत की दलील है, इसी जमीन में हम दफन होते हैं। हमारा दफन होना मोहब्बत की दलील, हमारा सजदा करना अल्लाह के लिए जमीन पर असर रखकर ये भी हमारी मोहब्बत की दलील है। लिहाजा हमें हमारा जमीन को माँ मानना इसलिए गलत हम कहते हैं क्योंकि इसकी बेहुर्मती होगी, इसके अदब के खिलाफ होगा, क्योंकि माँ पर कदम रखना गलत होगा, उसी जमीन पर इस्तिंजा करना भी गलत होगा। माँ पर कोई इस्तिंजा कर सकता है, माँ पर कोई पेशाब कर सकता है, कोई पैदल खड़ा कर सकता है, पैखाना कर सकता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माँ अजमत वाली होती है, माँ का मर्तबा सर पर बिठाना है, ना कि पैरों के नीचे रखना। लिहाजा मुसलमान इसे माँ नहीं कहता, क्योंकि माँ कहने में अजमत नहीं बल्कि उसकी मजम्मत है, उसकी बुराई है, उसके मकाम को घटाना है, इसलिए हम इसे माँ का दर्जा नहीं देते। जिस तरह जमीन को माँ का दर्जा नहीं देते, इसी तरह हम गाय को माँ का दर्जा नहीं देते। क्यों? अगर उसे माँ का दर्जा देंगे, उसकी भी अजमत को बढ़ाना नहीं, उसकी भी अजमत को घटाना पाया जाएगा। क्यों? माँ का दर्जा देना गलत है, माँ कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? आप मुझसे कहिए, दुनिया में बच्चा बेटा पहले आता है, माँ पहले आती है? पहले तो माँ आएगी, फिर बाद में बच्चे पैदा होंगे, ये उल्टी गंगा बह रही है कि जो माँ कह रहे हैं वो अपनी माँ को जन्म देता हो, जन्म पैदा होते हुए खुद आंखों से देख रहे हैं, ये तो माँ हो ही नहीं सकती। ये बच्चे माँ की विलादत को देखे, माँ के पैदा होने को देखे, माँ की विलादत को देखने वाला और उसका उसकी माँ कैसे हो गई, लिहाजा अगर से देखा जाए गाय माँ नहीं बन सकती। चलो मान भी लिया जाए गाय को माँ का दर्जा दिया जाना है, तो माँ का मकाम और मर्तबा घर के अंदर है या घर के बाहर है? अगर वहाँ गई है तुम्हारी माँ है, इससे तुम्हारी मोहब्बत है, आप इसे बेडरूम में ले जाइए, किचन में ले जाइए, अपने बिस्तर पर इसे सुलाइए, इसके कदमों में आप सोइए, इसके नाक में नकीर क्यों मानते हो? क्या माँ के नाक में नकीर मानना दुरुस्त है? ये माँ की अजमत के खिलाफ है। नकीर मानना छोड़िए, लिहाजा उससे इस्तेमाल करना छोड़िए, खेतों में चलाना छोड़िए, बेचना छोड़िए। किसान ही ये गैर मुस्लिम ही हमारे कसाईयों को बेचते हैं, तुम्हारा बेचना भी गलत हो जाएगा, इन्हें फॉलो करना
की मसम्मत हो जाएगी, माँ का दर्जा ऊंचा होता है, वो दर्जा हम इसे नहीं दे सकते। अकल नहीं मानती, शरीयत एक तरफ रहती है, अकल की निगाह से देखेंगे, अकल भी तस्लीम नहीं करती कि इसे दर्जा दिया जाए। चलो एक तुम्हारी बात ये है कि हम इसे अपना भगवान मानते हैं, इसकी हम पूजा करते हैं, यहाँ पर जिसकी वजह से इसका काटना गलत, इसका गोश्त खाना गलत, अगर ये बात सही है तो सब आप आपस में मुत्तहिद क्यों नहीं हो? हिंदुस्तान के मानने वाले गोश्त को जो खाना गलत कहते हैं, तो नेपाल में रहने वाले इसका गोश्त क्यों खाते हैं? नेपाल में इसकी बलि क्यों चढ़ाई जाती है? नेपाल में इसे क्यों सभा किया जाता है? लिहाजा अगर तुम्हारी बात सच होती तो फिर हिंदुस्तान का काफिर, हिंदुस्तान में इसे भगवान कहने वाले, तो फिर नेपाल वाले इसे क्यों नहीं मानते? नेपाल वाले इसे क्यों काटते हैं? आज भी नेपाल में इसे काटा जाता है, इसकी बलि चढ़ाई जाती है, इसके गोश्त को खाया जाता है। तो फिर मालूम ये हुआ कि ये तुम मजहब को, मजहब वालों को जुड़ने के लिए कानून बनाना चाहते हैं, हकीकत में इसे तुम मां ही मानते, हकीकत में मां ही मानते, हकीकत में मां मानते हो, मां का दर्जा दो, ठीक है। अगर ये तुम्हारी मां हुई, इससे बच्चा चाहिए, ये जो बच्चा जन्म देगी, जो बैल पैदा होगा, फिर उसे तुम अपना भाई मानो, मां का बेटा भाई बनेगा। अगर फिर एक गाय पैदा हुई, फिर उसे मां क्यों कहते हो? उसे अपनी बहन मानो, ठीक है। अगर ये तुम्हारी मां है तो तुम्हारी हकीकी मां कौन? वो मां या ये मां? अगर ठीक है ये तुम्हारी मां है गाय, तो फिर तुम्हारी हकीकी मां गाय की बहन बनी। ये सारे खराबियां लाजिम आएंगी मां मानने पर, ये सारी चीजें अकल तस्लीम नहीं करती, लिहाजा मां का दर्जा नहीं दे सकते। हमें पूछिए क्या दर्जा दिया जाए, आओ हदीस उठाओ, नबी अली सलाम ने क्या दर्जा दिया गाय को, कुरान उठाओ, कुरान की सबसे बड़ी सूरत, उस सूरत का नाम ही गाय, सूरह बकरा उठाओ, बकरा तुम कहते हैं गाय को, हमारे कुरान में गाय का तज़किरा, कुरान की सूरत का नाम गाय है, ये अजमत है, ये है मकाम, हमने जो दिया सही मकाम, कुरान में सूरत का नाम गाय, कुरान में गाय का तज़किरा। और ये खाना क्यों? अल्लाह ने जो नियामत दी है नियामत के फिर खाते क्यों हो? अगर तुम्हारा सवाल है, तुम्हारा एक सवाल आपसे है, अगर कोई आपकी खिदमत में कोई हाकिम MLA DC, अगर तुम्हारे तुम्हें जिसे बड़ा मानते हो, जिसे तुम चाहते हो, मोहब्बत करते हो, अगर वो तुम्हारी खिदमत में बिरयानी पेश करे या कोई खाने की चीज पेश करे और वो तुमसे कहे इसे खाओ, अगर तुमने उससे यूं कहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्रिया, आपने हमें बिरयानी दिया, आपने हमें खुरमा दिया, आपने हमें रोटी दिया, आपने हमें सालन दिया, हमने उसका शुक्रिया तो अदा किया लेकिन दो दिन तक खाया नहीं, ऐसे ही रख लिया, क्योंकि MLA ने बिरयानी भेजा है, DC ने बिरयानी दिया है, कैसे खाएंगे? ये तो MLA की बिरयानी है, बड़े इंसान की बिरयानी है, दो दिन रख दिए तो ये शुक्रिया हुआ, ये ना शुक्री हुई, ये ना कदरी हुई। शुक्रिया का क्या मतलब है? जो उसने दिया है उसे खाओ, खाने पर वो खुश होगा, खाने पर शुक्रिया अदा करना होगा, जुबान से बोलने पर नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह ने ये नियामत हमें दी है, लिहाजा इसका शुक्रिया ये कि खाकर अदा करें, नियामत का शुक्रिया खाकर अदा करना, ऐसे ही रखकर जाया करना, ये तो ना शुक्री हो जाएगी, ये ना कदरी हो जाएगी। अल्लाह ने इन्हें बनाया ही इसलिए ताकि इन्हें खाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह का हक बजा लाए। इसीलिए कहा गया कितनी अजमत है इसकी, इसके मुताबिक क्या क्या अहकाम हमारी शरीयत में बयान किए गए। तुम्हारी तरह इसे नहीं माना जाता, तुम्हारी तरह सभा करते ही गर्दन को जिस्म से जुदा नहीं किया जाता। शरीयत ने कहा सभा करने से पहले छुरी तेज करो, क्यों? अगर छुरी तेज नहीं होगी सभा जल्दी नहीं कर पाओगे, सभा जल्दी नहीं कर पाओगे तो उसे तकलीफ होगी, ये तकलीफ भी शरीयत में इजाजत नहीं है। ये है हमारी शरीयत, ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा दीन। शरीयत में कहा गया कि सभा करने से पहले छुरी तेज करो, क्यों? जल्दी सभा हो जाए ताकि तकलीफ ज्यादा ना हो। और कहा गया शरीयत में सभा करने से पहले पानी पिलाओ, पानी पिलाकर सभा करना। और ये भी कहा गया अगर दो तीन जानवर एक साथ सभा करना चाहते हो, यहां तक एक जानवर को सभा करते हो दूसरे जानवर को सामने पर खड़ा करो, क्यों?
जानवर के सामने पेश ना करना, जानवर देखेगा घबरा जाएगा, जानवर देखेगा तकलीफ होगी, छुरी दूसरी जगह जाकर पेश करो। ये है इस्लाम, ये है शरीयत। गाय को माँ का दर्जा देना अगर भी गवारा नहीं करती, बजाय इज्जत के जिद्दत हो जाएगी। लिहाजा हमारे यहाँ उसका मकाम है, कुरान में उसका तस्कीर आया, एक मुकम्मल सूरत उसके नाम से लिखी गई। अल्लाह के नबी ने जगह जगह गाय का तस्कीरा किया। नबी ने कहा जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद आने वाले को अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब देगा, उससे के बाद आने वाले को अल्लाह गाय सदका करने का सवाब देगा। हदीस में गाय का तस्कीरा, अल्लाह के नबी ने जगह जगह कहा, ऊंट के बाद गाय का नाम लिया, ऊंट के बाद गाय का नाम लिया। नबी ने तस्कीरा किया है, नबी ने गाय के बारे में कहा है, कुरान में तस्कीरा आया है। ये है हमारे नजदीक मकाम मर्तबा, हम इसे शरीर नहीं समझते, हम इसका गोश्त खाने की वजह ये अल्लाह की नियामत है, इस नियामत का शुक्रिया खाकर अदा करना है। बगैर खाए के शुक्रिया अदा नहीं होता, बड़े इंसान की दावत खाएंगे बड़ा इंसान खुश होगा। ये अल्लाह की तरफ से एक तरह की नियामत है, इसके शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है। अगर इसे तुम जानवर पर जुल्म करना कहते हो, तुम्हारे घर में चूहे आ जाए तो क्या चूहे मारने की दवा तुम नहीं डालते, क्या चूहे मारने की दवा तुम नहीं रखते? फिर इस जानवर को मारना जुल्म है, चूहे को मारना भी जुल्म हो जाएगा। तो वो जानवर नहीं, क्या उसकी जान नहीं है? चूहे मारना गलत हो जाएगा, मुर्गी काटना गलत हो जाएगा, दीगर जानवरों का सफा करके गोश्त खाना गलत हो जाएगा, चींटी मारना भी गलत हो जाएगा। ये सब जानवरों में आते हैं, सबको छोड़कर सिर्फ गाय को काटने को जुल्म अगर करार दे रहे हो, ये भी अकल के खिलाफ है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश समझी जाए। लिहाजा आखिर में गुजारिश ये है, ये हमारे खिलाफ साजिशें हो रही है, हमें मिटाना चाहते हैं, हमें हिंदुस्तान हैं। कभी तलाक के नाम पर, कभी गाय के गोश्त की पाबंदी के नाम पर, कभी और के नाम, और चीजों के नाम पर हम पर जुल्म किया जा रहा है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये सारी चीजें, ये सारे हालात हमारे बद आमालियों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, नबी के तरीके को छोड़ने की वजह से आती है। लिहाजा अगर हमारे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे, अल्लाह जालिम हुकूमत को खत्म करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जैसे मैंने हदीस सुनाई, अमालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हाकिम है, तुम्हारे आमाल दुरुस्त, तुम्हारे हाकिम दुरुस्त हो जाएंगे, तुम्हारे आमाल दुरुस्त नहीं तो तुम्हारे हाकिम सालिम बन जाएंगे। आज हमारे हुकुमरान सालिम बनने की वजह हमारे आमाल के बिगाड़ का नतीजा है, बुरे आमालों का नतीजा है। लिहाजा आमाल दुरुस्त करने की कोशिश करें, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के भी हुकुम अदा करें, बंदों के भी हुकुम अदा करें, अल्लाह के अहकाम को माने, नबी के तरीके को माने, जो कुछ कुरान में है हदीस में उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को हर करीब खत्म कर देगा। कुरान में ऐलान है, जरूर भी जरूर जालिमों को हम हलाक करके रहेंगे, ये अल्लाह का वादा है। लिहाजा अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर लाने के लिए इन्हें हम पर मुसल्लत किया है। अब होश में आना होगा, अब आमाल दुरुस्त करना होगा, मुत्तहिद बनना होगा, सबको भाई भाई बनाकर चलना होगा। जो गैर मुस्लिम है, जिनके जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, जो हमारे पास कुछ चीजें खरीदने के लिए आते हैं, उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आए, मुस्कुरा कर पेश आए, उन्हें बताएं, अगर वही ये कह रहा है गाय के बारे में, उससे प्यार और मोहब्बत से बताएं कि माँ मानना गलत होगा, माँ मानने से क्या नुकसान है, ये सारी तफसीलात उसे समझाएं, उसे समझाएं कि अगर वो अकलमंद होगा तुम्हारी बात मान लेगा। बहरहाल जिस माहौल में, जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ हमारे साथ दीगर मजाहिब वाले भी हैं, उन्हें अखलाक दिखाएं, नबी का तरीका बताएं, कुरान के अहकाम बताएं, अजान का तर्जमा बताएं, फिर वो सब समझेगा, हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, हमारे खिलाफ वो कभी आवाज नहीं उठाएगा। ये हमारी कमजोरी, ये हमारी गलती है, ये हमारी कम अकली है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, आज तक हमें उन्हें दीन नहीं बताया, आज तक हमने उन्हें अजान का तर्जमा नहीं सिखाया, आज तक हमने उन्हें इस्लाम के अंदर क्या क्या चीजें नहीं बताया, जिसकी वजह से उनके दिलों में नफरत बैठ गई है, जिसकी वजह से वो हमसे नफरत करते हैं, जिसकी वजह से हमें देखकर वो डरते हैं, हमें वो सख्त मुसलमान समझते हैं, तशद्दुद वाला समझते हैं। लिहाजा ये हमारी गलती।
जरूरी है ज्यादा माहौल सही बनाने की कोशिश करें, अखलाक आला बनाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह जालिमों को दुनिया से खत्म करेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को कही बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।